पेट्रोल कांड की शिकार अंकिता की दर्दनाक मौत के बाद आज बुधवार को कांग्रेस नेत्री चाईबासा की सांसद गीता कोड़ा अंकिता के परिजनों से मिलने उससे जरुआडीह स्थित घर पहुंची। यहां उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उस घटना स्थल को भी देखा जहां से हत्यारे शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया था। परिजनों ने गीता कोड़ा को अब तक की पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। गीता कोड़ा ने कहा कि यहाँ जो भी मैंने देखा और सुना वह सारी रिपोर्ट झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूंगी। शाहरुख और मोहम्मद नईम जो जघन्य घटना को अंजाम दिया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा बेटियों पर इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में SIT का गठन हो चुका है। स्वदेश वाणी के लिए दुमका से बसंत भालोटिया की रिपोर्ट। आज हम लोग आए हैं जो घटना हुई है विगत 23 तारीख को हुई और अंकिता के साथ में जो भयावह और दर्दनाक घटना हुई है उसी को लेकर के आज हम लोग कांग्रेस पार्टी की ओर से आए हैं और यहाँ जो घटनाएं हुई है उन घटना को देखने के लिए भी और साथ ही परिवार से मिलना भी था हम लोगों को। तो आज हम लोग परिवार से मिलकर चीज़ों की जानकारी लिए हैं कि ये घटना किस तरह से हुई है और इस पर ये प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोगों ने लिया है और आज यही हम लोग परिवार से मिलकर हम लोग आगे माननीय मुख्यमंत्री को भी हम इस पर रिपोर्ट करेंगे कि क्या यहाँ हुई है और इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को भी हम धन्यवाद करेंगे जिस तरह से त्वरित उन्होंने कार्रवाई करते हुए SIT का गठन किया, या फॉरेंसिक की टीम भी आई और जिस तरह से आरोपी को तुरंत पकड़ा गया है तो ये शासन प्रशासन की तत्परता से ही ये संभव हो पाया है। तो हम इसके लिए प्रशासन को बहुत धन्यवाद देते हैं और इस दुख की घड़ी में हम लोग परिवार के साथ हैं। कितना दर्द? इलाज में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है जो मेरी जानकारी में है। तुरंत उसे अस्पताल, जैसे अभी के फादर ने बताया कि हम लोगों ने तुरंत उसको अस्पताल ले गए, वहाँ से उनको रेफर किया गया रिम्स, तो इलाज चल ही रहा था और बर्निंग का केस था और ये जिला अस्पताल को और सुधार की आवश्यकता है। जिला अस्पताल में जिस तरह के जो हालात हैं ये ठीक नहीं है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट में कम से कम बेसिक जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, लेकिन हाँ उनको रिम्स तुरंत भेजा गया क्योंकि रिम्स हायर सेंटर है। मैडम उसको भेजने में देखिए परिवार की स्थिति हम लोग भी अभी देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है कि बेटी को बेहतर इलाज मिल सके और इसलिए अभी उनके फादर ही मुझे बता रहे हैं कि उन्हें तुरंत DC साहब ने पैसे भी दिए, उनको चेक दिया गया, चेक दिया गया था और रिम्स में रिम्स को जो मेरी बातचीत हुई प्रशासन से कि रिम्स को भी डायरेक्शन था कि उसका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए और इलाज में उनको लेकिन परिवार पिता खुद ये चेक दिया गया था उनको। हाँ चेक दिया गया था और यहाँ से उनको एम्बुलेंस भी दिया गया, वहाँ हॉस्पिटल में कहीं इलाज नहीं किया गया ऐसा बात नहीं है, इलाज शुरू हुआ, इलाज किया गया। ठीक है कुछ चीज़ें हैं उस पर शासन प्रशासन दोनों को इस पर देखने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि इलाज नहीं किया गया, इलाज किया गया, भरसक प्रयास किया गया कि बेटी को सही इलाज मिल सके। लेकिन का गठन किया गया, ADG खुद यहाँ पर है और हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको फांसी के नीचे कोई सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले ताकि ये समाज में ये मैसेज जाए कि बेटियों के साथ जो गलत व्यवहार करते हैं उनको कानूनी रूप से कहीं बख्शा नहीं जाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।